औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। आज पोप मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में है और काफ़ी जो कैथलिक है उसको जाके जो है मिल रहे हैं और शाम में मेरे ख़्याल से उसका बाहर निकलना होगा। अभी 5 तो बज गया, मैं अभी बाहर से आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे भाई या यूएसए में रिपब्लिकन्स इस्लाम को देखना नहीं चाहते, सेम थिंग इंडिया में बीजेपी इस्लाम को देखना नहीं चाहता। अगर तुम मर्द हो, वाकई तुम्हारे अंदर मर्दानगी है या गीरत है, या वाकई तुम हसास हो, वाकई तुम किसी की बात नहीं पढ़ते, वाकई तुम अल्लाह को चाहते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हो, तो इनको एक ही बात से मात दे सकते हैं। 2 बिलियन क्रिश्चियंस को मात देने वाला फार्मूला दे रहा मैं, और इंडिया को भी दे रहा हूँ मैं। 1 बिलियन हिंदू को मार सकते हैं इस लफ्ज़ से। हमको किसी से जंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बानी जंग काफ़ी है। देखो अभी 107 लोग हज के दौरान क्रेन से जो गिर के, क्रेन गिरने की वजह से मर गए, शहीद हो गए। फिर उसके बाद में अफरा तफरी भी अरफा के मीना के बाद घरों को जाने को 700 या 1000 मर गए। अब ये क्रिश्चियन को शोशा मिल गया, हिंदू को भी शोशा मिल गया, देखो वहाँ जाके ये लोग मर रहे। अरे भाई मौत तो कहीं भी आने वाली है, कोई ये नहीं पूछता कि 25,000 लोग जो है भूख से क्यों मर रहे हैं पर डे। दुनिया में 8 बिलियन जब इंसान है दुनिया में मौजूद, क्यों इंसान को इंसान खा ले रहा नहीं पूछना है। क्यों एबॉर्शंस जो है अमेरिका के जैसे उसमें 800 से ज़्यादा पर डे होते हैं, ये तो रोज़ का नहीं है, ये साल को एक बार ऐसा हादसा हो जाता है, इंसान का वक्त लिखा होता है, वो दुनिया से चला जाता है। लेकिन हम इनको एक मुँह तोड़ जवाब देने के लिए है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, अल्लाह ने हवा को बिना माँ के पैदा किया, अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। आप अगर कहते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के 30 सालों में जितना भी मैंने रिसर्च किया, इससे बड़ा पैगाम कोई भी आप नहीं दे सकते क्रिश्चियंस को। उनके दिमाग भी शुद्ध पड़े हुए हैं, हमारे लोगों के दिमाग भी जो है बेहोश जैसी हालत में, या खुमार जैसी, या होश न जैसी ज़िंदगी के अंदर पड़े हुए हैं। अगर यूरोप में रहना है, अगर अमेरिका कनाडा में रहना है, अगर से रिपब्लिकन को मुँह तोड़ जवाब देना है, रिपब्लिकन भी बीजेपी हो गया है अपनी आज हमारे लिए, अल्लाह आलम वो 9/11 के ख़त्म में क्या था, वो दुनिया तो यही बोल रही। तो हमारा काम क्या है, हम सियासी एतबार से नहीं जाना है, हम मोहब्बत के एतबार से जाना है। जो जंग नहीं, हमको यहाँ रहना है, हमारी औलाद को पालना है, हमारी औलाद को प्रेसिडेंट बनाना है या तारिक बनाना है। तो हम एक काम करें, इनको बताएं कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया, सूरह मरियम पढ़ लो, बात ख़त्म हो जाएगी। सूरह मरियम, मरियम भी सुन रही, ईसा अलैहिस्सलाम भी सुन रही। सूरह मरियम में अल्लाह ने यह भी बता दिया कि जो है इनको नाना भी है, इनको जो है नानी भी है। अब सवाल ये उठता कि हम लोग स्कॉलर्स हैं बोलते, हम लोगों के पास जो है एक से एक मास्टरमाइंड्स हैं बोलते, कहाँ जवाब दे सकते ऐसा कोई। मैं कैसी बात तुमको दे रहा हूँ, कोई है जो तुमको ऐसी बात दे सके। देखो अल्लाह ने अगर से ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, 1435 साल से हम लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर ये जो है बता रहे, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, हम पढ़ रहे, सुन रहे, लेक्चरों में भी बोल रहे, नमाज में भी पढ़ रहे, खुतबे में भी बोल रहे, हर जगह। क्या हम क्रिश्चियन को नहीं बोल सकते ये बात, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने सुन रहे बोल के बता सकते हैं? अगर जो उनके पास वाकई ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर से ज़्यादा है तो वो सोचेंगे, गौर करेंगे, फिर आए क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब देना तो सिर्फ उन्हीं को पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो अल्लाह ने कहा क़यामत तक नहीं भेजूंगा, डिक्लेयर हो गया। सवाल ये उठता कि उन्होंने जो भी बेटा बोला, या होली स्पिरिट फादर एंड सन, या इनकार्नेशन गॉड बोला, वो सबको मात देने के अल्लाह बोला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने बिना बाप के पैदा किया। अब सवाल ये उठता, अब अमेरिका हो या कनाडा, यूरोप में भी हम आज़ाद हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है, आओ सलाह पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, बेनिफिट उठा लो, फ़ायदा उठा लो। ये दिन तमाम गूंजने वाला जो है ऐलान है, जिसको हम खाली ऐसे दे दे वेबसाइट जाके, या उनके SMS के, या फिर कोई और ज़रिए से, उनके डोर टू डोर, या उनके किसी भी तरीके से, बहाने से, किसी भी तरीके से उन तक ये पैगाम को पहुंचा दे। यूरोप में और अमेरिका और कनाडा में तुम
हमारी जो है यहाँ रहने की जो है एक सही बता रहा हूँ मैं जो एक गुंजाइश निकलेगी। अल्लाह ताला तुम्हारे फैसले खोलेंगे क्योंकि अल्लाह के हक़ को तुम पहुँचा रहे, अल्लाह तुम्हारे पर मेहरबान होगा। बेशक अल्लाह ताला कह रहा है मैं आजमाऊँगा, इंसान को बराबर आजमाएगा, तुमको यहाँ तकलीफ है, तुमको यहाँ ख़तरा है, तुमको यहाँ बेइज्जती है, तुमको यहाँ पर जो है धुतकाराया जा रहा जैसे स्पेन में उस वक्त में हुआ था। आज उठो और बताओ इनको, और सेम इंडिया में भी देखो उनके हज़ारों खुदा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पाँच वक्त अजान जब गूंज रही, तहज्जुद के वक्त में भी पढ़ के कोई बोल रहा होगा। मेरे भाई ज़िंदगी एक है इज्जत से जीने के लिए, मौत बेहतर है बेइज्जती से जीने के लिए। मैं तो बताऊँ मौत से बदतर है ज़िंदगी वो जो बेइज्जती से जीता है। अगर वाकई तुम अपने आप को मर समझते हो, वाकई तुम अपनी औलाद को जो है इन ममालिक में जो है बड़ा करना है, परवरिश इनकी यहाँ करना चाहते हो, फले फूले यहाँ देखना चाहते हो, इज्जत और इनको जो है वो ओहदा मिले, ये सारी बातें हो सकती है। तुमको ये कहना है सिर्फ, कोई लेक्चर में कोई नहीं देगा ये बात, मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ ये बात तुमको कोई नहीं दे सकेगा। आज तक दिया ही नहीं 1400 साल में, ये अखल वाली बात है, कोई दिया ही नहीं आज तक। देखो भाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा किया, ईसा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पूछना है, तो पैगंबर से ज़्यादा होते तो सामने आते, पैगंबर से ज़्यादा नहीं है तो हम पूरे 24 घंटे एक एक सिंगल सेकंड बोल रहे हैं, ये बताना है। अब अगर से हज में मरता है आदमी, उनको बुरा लग रहा, उनको मौका मिल रहा, उनको जो है ताना देना, हमारा ईमान कमज़ोर करना चाह रहे हो, जबकि इंसान की मौत बरहक कहीं ना कहीं आती है। अगर तुम्हारे अंदर होश व आवाज़ है, दानिशमंदी अकलमंदी है, तो तुम किसी भी सूरत से पैदा करो कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम भी सुन रहे। मैं आजकल यही बोल रहा हूँ किसी को, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी थी इंजील बाइबल इन्होंने नहीं दिया था, ये बता देना है सब सारी दुनिया को, ये बताना है। ईसा अलैहिस्सलाम को 1400 साल या 1600 साल से ये लोग जो है खुदा समझ की इबादत कर रहे हैं, उससे पहले नहीं था, होली स्पिरिट फादर सिन का रोना था। इस वास्ते कुरान के अंदर अल्लाह बोला तुम जो है होली स्पिरिट फादर एंड सन क्यों कहते हो? अरे कोई गौर से पढ़ो ना यार, स्कॉलर से कहते तुम, स्कॉलर है तुम, ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत बताओ ना क्या है, वो उनको बताओ कि वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पैगंबर है कि नहीं, वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, उनको बताओ कि अल्लाह ताला पैदा किया कि नहीं कि पैदा किया। अरे मर्द बनो ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।